इस भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और आप सब लोग जो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं परिवार में नया हूं और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी लोगों का नाम याद कर लूं। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी का। और रास्ते में आते हुए कुछ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे परिचय प्राप्त हुआ है। अजय महाजन जी हैं जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में चंद्र कुमार जी हैं नेता प्रतिपक्ष में, आशा जी बैठी हुई हैं, दूसरे पठानिया जी इधर बैठे हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सबको इकट्ठे प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, क्या संयोग है, आप इस बात को समझिए। नवरात्रा चल रहा है, देवी की पूजा हो रही है, नौ दिन पूजा होगा और कहते हैं नौवें दिन संहार किया था देवी ने। आप लोग भी एक यज्ञ में शामिल हैं, चुनाव यज्ञ से कम नहीं होता है। और नवरात्रा जब चल रहा हो, आपके तो प्रत्याशी का नाम ही भवानी है। इतना बढ़िया संयोग है और मैं समझता हूं कि इसमें आप सब लोगों का उत्साह आपके चेहरों पर दिख रहा है, खास करके जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, उनके चेहरों पर दिख रहा है। इस जोश को जीत में बदलना है और इस जोश को जीत में इसलिए बदलना है कि उपचुनाव तो झांकी है, फाइनल चुनाव बाकी है। पहले सरकार ने हमको सीखा कि एक तो सीट जीत जाएगा तो क्या होगा, हम बोले पूरे देश को संदेशा जाएगा कि जिस प्रदेश का नाम लेकर के नहीं, बेच करके देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषणों में कि मैं कुल्लू का प्रभारी हुआ करता था, मैं हिमाचल का प्रभारी हुआ करता था और ये हिम का आंचल इस देश का शीर्ष है, जिसका नाम बेच करके वो देश के शीर्ष पद पे बैठे हैं ना, उनकी हार की इबारत भी यहीं से लिखी जानी चाहिए। ये चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि हमको इनको उत्तर देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। वैसे इनके पास कोई सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस वाले तो महल में रहने वाले हैं, ये लोग सत्ता में बैठ करके भी कुर्सी पे बैठ गए हैं ऐसा आत्मविश्वास नहीं ला पाते। सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन विपक्ष की तरह भाषण देते हैं। महाराज, आप सत्ता में हैं, आप देश के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से बहलों की भाषा शोभा नहीं देती है। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल करके झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दीजिए, अपना फॉर्चुनर गाड़ी छोड़ करके खच्चर पे चलना शुरू कर दीजिए। पारों में बहुत कामयाब है खच्चर। ये बातें आपको मुझसे शोभा नहीं देती है। और आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हैं कि वह राजा थे राज्य के नहीं, राज्य में रहने वाली जनता के दिलों के राजा थे। क्योंकि अगर कोई किसी के दिल का राजा नहीं होगा तो 22 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता वोट देकर के जो है उनको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो हमारी तरह बात करने वाले थे, जिन्होंने ये दावा किया कि वो गरीब का बच्चा है, चाय बेचने वाला का बच्चा है, अफसोस की बात है कि वो राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते तो 20,000 करोड़ का महल नहीं बनवा रहे होते। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का महल बनाया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के उड़ने के लिए जो उड़न खटोला आया है उसका दाम कितना है, 8,500 करोड़।
8,500 करोड़ आंख में धूल झोंकना बंद कीजिए साहेब, आपका सिलेबस यह देश धीरे धीरे समझने लगा है, आपके झूठ को इस देश की जनता धीरे धीरे पकड़ने लगी है, उसको यह समझ में आने लगा है कि ये नौकरी नहीं दे सकते मैं इसलिए इधर उधर की बात करते हैं, ये महंगाई नहीं कम कर सकते इसलिए इधर उधर की बात करते हैं, यह देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहे हैं। मुझे आप सब लोग सोच करके बताइए कि सरकारी संपत्ति कौन होती है, जिसका मालिक सरकार होता है, और सरकार का मालिक कौन होता है, सरकार का मालिक जनता होता है, मतलब सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है। अगर एयर इंडिया बिक रहा है तो किसी के बाबूजी की संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है, इसका जवाब सरकार से देना है। अगर बीएसएनएल बिक रहा है तो देश की जनता की संपत्ति है, इसका जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। अगर रेलवे बिक रहा है तो इसका जवाब देश की सत्ता को देना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता की संपत्ति है। और एक बात हमको सोच करके बताइए कि रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मंत्री का ढोलक बन जाएंगे। अगर एयरलाइंस रहेगा ही नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्या करेंगे बताइए, उस मंत्री का क्या, उस मंत्रालय का क्या, जब उसका हवाई जहाज ही नहीं। आप बताइए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, तो सरकारी प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए हमको ये बताइए, क्या करेंगे सरकारी प्रधानमंत्री का। ये देश की जनता का असल सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, ये जनता का सवाल है। और आप इस सवाल को गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करने के लिए आपके पास तमाम तरह का तमाशा है, और उस तमाशे पर कांग्रेस परिवार के जो एक एक सदस्य हैं, उस सदस्य को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप उस झंडे में सिपाही हैं जिस झंडे ने इस देश को आजादी दिलाई है, आप मामूली लोग नहीं है, आजादी दिलाई है, उस पार्टी को इस देश की आजादी का रक्षा भी करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है, इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे हैं कि हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को यह सोच करके चुनाव लड़ना पड़ेगा कि हम भवानी जी को नहीं जिता रहे हैं, हम अपनी पार्टी को जिता रहे हैं, और पूरे देश को यह संदेशा देना चाहते हैं कि भाजपा जैसी झूठी पार्टी को हम हरा सकते हैं, उनको हम जमीन बदला सकते हैं। इसलिए मैं आज सबसे आग्रह करने के लिए आया हूँ, वो इधर उधर की बात करेंगे, हमको इधर उधर की बात नहीं फंसना है। कहते हैं परिवार बार, भवानी जी सुजान सिंह पठानिया के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, बारे बाबू, लेकिन अनुराग ठाकुर अपने बाप के नाम पे वोट मांगेंगे। ठीक बात है, तुम्हारा सही सही और हमारा सही भी गलत, ये नहीं चलने वाला है। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, और जहां जिसको मौका मिले, और हिमाचल प्रदेश की इस महान भूमि को, शहीदों की इस भूमि को, देवों की इस भूमि को जो मौका मिला है, कि आपको शैतानों को संदेशा देना पड़ेगा कि नवरात्रि का महीना है, शैतानों का संहार करना पड़ेगा, देवी जी के नाम पर भवानी को विजय बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर बलैया लाल जी, आपने अपने अजस्वी विचार यहाँ रखे। अब मैं जिस बड़ी का आपको इंतजार था, अब मैं गुरु में प्रार्थना करना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा शुक्ला जी कि आप इतना हम भाषण देंगे उससे ज्यादा पठानी जी बोल लेते हैं संचालन में। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे स्टार प्रचारक संजीव कुमार जी, लाल नहीं है कुमार है, आशा कुमारी जी, राजेंद्र राणा जी, चंद्र कुमार जी, यहाँ के जो भीष्म पितामह है इस क्षेत्र के, हमारे आपके बीच में
ज्यादा लोगों का परिचय लगता नहीं है, लेकिन है कांगड़ा के हमारे धर्मवीर सिंह राणा जी, मेजर जनरल, वो तो ब्रिगेडियर लड़ा रहे हैं, मेजर जनरल हमारे साथ यहाँ पे आए आए हुए खासतौर से फतेहपुर की सभा और जिला अध्यक्ष अजय जी और हमारे लोकप्रिय मेयर धर्मशाला के, वो भी आज हमारे बीच आए हुए और कर सकते हैं। जब ये हमेशा पीछे बैठते हैं और सब लोग हैं और हमारा जो सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी भवानी सिंह जी, वो लोग कहते जय भवानी, जय भवानी सिंह, माँ भवानी का शेर है, उनके शेर है ये, माँ भवानी का इनको आशीर्वाद प्राप्त और उसमें इनको माँ भवानी का आशीर्वाद है। सिर्फ आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए जिससे विजय हासिल करें। तमाम बातें मुकेश जी जी पहले बताएंगे आपको कैसे क्या महंगाई और शादी कन्हैया कुमार जी ने तमाम चीजों पर रोशनी डाली, कैसे सरकारी संपत्तियां बेची जा रही, जब आप क्योंकि आप काबिल नहीं थे तो आपने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। GDP जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 9 तक पहुंच गई थी उसको 0 पे ले आए, 0 से नीचे ले आए। तो जब आप अर्थव्यवस्था नहीं मदद कर पाते, जब आप अपने घर में कोई कमाई नहीं कर पाते, घर चला नहीं पाते, तो फिर आप जेवर बेचते हैं, बर्तन भाड़े बेचते हैं और घर को तबाह करते हैं। वही सिलसिला देश की अर्थव्यवस्था का होने का, इतना बुरा प्रबंधन भाजपा की केंद्र सरकार ने किया कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट, 32 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो। आपको पता नहीं क्या हालत है गांव की, आप बिहार यूपी उड़ीसा जाके देखते किस तरह से लोगों ने दुर्घटना चली गई, कल कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोई मैनेजमेंट ये नहीं कर पा। तो आप घर में जो 70 साल जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से और जितने भी वाजपेयी जी के सबके जमाने की जो कमाइयां थी जो उन्होंने देश की जनता के पैसे से बड़े बड़े उद्योग धंधे कारखाने पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे, एक एक करके सरकार बेच रही है। जैसे घर में आखिरी में कुछ नहीं होता तो बर्तन भाड़े बेचे जाते, जेवर बेचे जाते, वैसे देश की संपत्ति को बेचने का काम कर। और अभी इन्होंने कहा कि एयर इंडिया ठीक है, जो फैसला हुआ वो 18,000 करोड़ में पूरी एयर इंडिया थी, जिसमें जो है इतनी भी ठीक है, करीब 100 के करीब जहाज जिसमें इंटरनेशनल विदेश जाने वाले बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी संपत्तियां उसकी हर जगह पूरे देश को और विदेश में भी एयर इंडिया है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और यहाँ भी है। बॉम्बे का पहली बिल्डिंग जो है वही 6,000 करोड़ की या 10,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री जी का जहाज भी बता रहे हैं कि 8,500 करोड़ के एक जहाज बना और पूरे एयर इंडिया के सैकड़ों जहाज और पूरी एयर इंडिया की संपत्ति 18,000 करोड़ में बेच दी। एक जहाज अपना तो 8,000 करोड़ में आ रहा और सारे जहाज ये 18,000 करोड़ में चले। तो ऐसी सस्ती सस्ता सौदा जो हो रहा है देश की संपत्तियों में, आपके टैक्स की भी हुई कमाई से जो हो रहा है, तो बहुत ही गलत है। इसके हम भूगोल नहीं पा सकते और एक के बाद एक लगातार सबको बेचने की प्रक्रिया। दूसरा मुद्दा महंगाई बात है, मुझे याद है जो अगर सरकार के चुनाव में रूप में सब्जी का था, उस समय जब आ रहे थे आदरणीय हमारे खिलाफ, तो उस समय यदि आपने 15 लाख वाला वादे तो भूल जाओगे, हर एक के खाते 15 लाख आएंगे तो उन्होंने भुलाई दी। इन्होंने कहा था 40 रुपये में जब मेरी सरकार है 40 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे और 30 रुपये लीटर, क्योंकि हम जब हमारी जो सरकार थी उसमें 68 रुपये लीटर पेट्रोल था और कोई 48 रुपये लीटर
40% लोगों ने वोट दे दिया। और जब आज आप देख रहे हो ये सरकार लगातार दो बार आपने बना दी, 100 रुपए पार कर गया पेट्रोल, डीजल 90 से 100 के बीच में, कल महीने की तरह सरसों के तेल और पेट्रोल तो कंपटीशन चल रहा है, सरसों तेल 200 डबल सिक्स की बना चुका 200 रुपए, पेट्रोल उसी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, घंटे तुम्हारे बराबर आते ये जो बोझ है आप लोगों के सर पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 100 रुपए ऊपर पेट्रोल हमने तो सोचा नहीं था, और तब जब जो है हमारे जवानों ने $120 का एक घर मिलता, और आज इसको जो है 50-60 इसके आधे दाम पैसे मिलता, और इसके बाद हमसे दूसरे दाम पे बेच रहे हमारी सरकार के जमाने, तो इसका अर्थव्यवस्था का अच्छा काम था ये बताइए। अब तो मनमोहन सिंह की सरकार आ जाएगी, ये बात आप लोग व्यंजक में जाके बता, इन्होंने कहा महंगाई कम करके महंगाई आसमान छू, जो वादा भी नहीं पूरा किया, इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां तो छोड़ दो उनसे नौकरियां चली गई, इन्होंने कहा कि हम जो है देश का आत्मगौरव वापस लाएंगे, चीन ने क्या किया आपको पता है, कैसे हमारे फौजे वापस जा रहे हैं और कहां उधर तालिबान अफगानिस्तान में घुस गया, कुछ नहीं कर पाए बैठे हुए, तो क्या वादा पूरा किया है मुझे बताइए, कौन सा वादा पूरा। आज इंदिरा जी के साथ प्राइम मिनिस्टर होता है इंदिरा गांधी हिम्मत थी पाकिस्तान की, क्या हाल है कमर लेकिन उसकी कहा ले जाके रखा, उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त था राष्ट्रवादी था, कांग्रेस का तो राष्ट्रवाद का इतिहास राष्ट्रभक्ति का, हमने पाकिस्तान को 2 बार सबक सिखाया, 1965 में शास्त्री जी के नेतृत्व में हो और 1971 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, कोई खुले जेट बार पूरी की पूरा युद्ध जीता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए आप लोग, यहां बात के बाद 5 रुपए का काम और 500 रुपए का प्रचार, हर चीज को विज्ञापन हर चीज को प्रचार, वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि अगर चंद्रमा की उदय होता है तो मोदी जी के कहने से, सूर्य भगवान की उदय होते तो मोदी जी हर काम भी कहने पैसा मीडिया में दिखा, ये सारी चीजें आपको एक कार्यकर्ता को ज्यादा से बता देता हूँ, एक कार्यकर्ता को आप सब योद्धा है हमारे, और सबको ले जाके आगे बताते एक एक बूथ पे एक एक जगह सबसे बूथ पे जो कांग्रेस एम एस वाई बैठी है सब लिस्ट दो हर बूथ पे महिला कांग्रेस इतने वाली बेन कांग्रेस ये सब एक हर बूथ पर बैठे के पीछे उसके बारे में कोई लगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बैठ के बनाओ फिर एक एक को डोर टू डोर सबके सबको निकल, क्योंकि आप सब लोग वरिष्ठ लोगों से अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी बातें आप जनता तक पहुंचाएं, यहां से फिर जो काम हमारे पठानिया जी ने किया था उस काम को आगे बढ़ाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ हमें जो है इतने प्रचंड बाबा से जीत दिलानी है कि संदेश जाए कि फतेह पुरुष की जनता को है, क्योंकि मैंने इस तरह पंचवाटी बता रहे थे कि जो कैंडिडेट भाजपा ने दिया वो अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का तो किस कॉन्स्टिट्यूंसी का भोर है भोर खास का है, यहाँ का है नहीं फतेहपुर का कैंडिडेट, तो बाहरी आदमी यहाँ लाके लड़ा रहे हैं, तो ये भी जो है उचित नहीं है, यहाँ कैंडिडेट को नहीं मिला, इसलिए जो है सब लोगों को हमारे पीछे के पंख के लोग काफी जुझारू है बैठे हुए हैं, सबको लगना पड़ा पवन जी आपको भी सारा टाइम देना पड़ेगा मास्क निकाल के, सारे लोग सक्रिय हो जाए प्रणा जी लिस्ट बैठक में काम ला के वो भी पीसीसी की तरफ से है ना, अध्यक्ष जी बैठे सारे लोग बैठ के जो है घर के बना लीजिए, और जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है जहाँ जहाँ ऐसे है कि फौजियों का प्रभाव प्रणा जी यहाँ पे आए हुए हैं वो सब जगह जाएंगे वहाँ पर है, सारी व्यवस्था बना के इस सिलेक्शन को पूरा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभियान की शुरुआत हो गई है और अब निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे।
अब मैं पूर्ण प्रार्थना करता हूँ अजय महाजन जी से, लोकसभा के अध्यक्ष और धन्यवाद करें अजय महाजन। दोनों पासों में सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पहुंचे, और मैं आदरणीय शुक्ला जी को विश्वासों में मानना चाहता हूँ कि जिसने कांग्रेस की बेटी जो है आपके आशीर्वाद के साथ